हाय फ्रेंड्स, रोजाना हमारी किचन से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके, जिन्हें हम यूं ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज मैं आपको किचन वेस्ट से आपके प्लांट्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल कंपोस्ट बनाना बताऊंगी। ये कंपोस्ट एकदम स्मेल फ्री होगा और ना ही इस कंपोस्ट में किसी तरह के कीड़े मकोड़ों की कोई परेशानी आएगी, और इसी बहाने हम अपने एनवायरमेंट को भी क्लीन रख पाएंगे। किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए आपको किसी भी तरह के महंगे सेटअप को लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आप घर पे पड़ी हुई चीजों से भी इसे बना सकते हैं, जैसे पुराने गमले में भी इसे बना सकते हैं या फिर कोई प्लास्टिक की पुरानी बकेट भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनता है वो हमारे इनडोर प्लांट्स और उसके साथ साथ आउटडोर प्लांट्स के लिए इतना फायदेमंद होता है कि उन्हें कई सारी बीमारियों से भी दूर रखता है, जो अक्सर हमारे प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो चलिए इस कंपोस्ट को बनाना शुरू करते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं इन्हें मैंने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया है। इसके लिए मैंने लिए हैं सूखे हुए पत्ते, प्याज और लहसुन के छिलके, पुरानी आधी बनी हुई कंपोस्ट, चाय पत्ती, केले के छिलके, गार्डन सॉइल, नीम की पत्तियाँ, संतरे के छिलके, कुछ अंडों के छिलके, हरी घास और सब्जियों के छिलके। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको अपने कंपोस्ट में नहीं डालनी है? बची हुई रोटी और सब्जी, ब्रेड, बिस्किट्स या किसी भी तरह की बची हुई मिठाई, नॉनवेज की कोई भी आइटम या किसी भी तरह का तला हुआ खाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें चूहों की, चींटियों की और कॉकरोचेस की प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं, और नॉनवेज और दाल सब्जी से स्मेल की प्रॉब्लम आ सकती है। इसे बनाने के लिए मैंने मिट्टी का एक गमला लिया है और प्लास्टिक की एक ट्रे ली है। आप केले के छिलकों को इसमें डालने से पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लें ताकि ये जल्दी से डीकम्पोज हो पाए। केले के छिलकों में 42% पोटाशियम होता है और इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए 6 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो मेन है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और फॉस्फोरस फ्लावरिंग प्लांट्स और रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। पोटाशियम कई तरह के डिजीजेस से प्लांट्स को बचाता है और ओवरऑल प्लांट की हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। यहाँ पर मैं संतरे के छिलकों को भी छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ ताकि ये जल्दी से डीकम्पोज हो पाए, क्योंकि संतरे के छिलके डीकम्पोज होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाते हैं। आप किसी भी तरह के फ्रूट्स के छिलके इसमें ऐड कर सकते हैं। संतरे के छिलकों में नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पर मैं जो मिट्टी का गमला यूज़ कर रही हूँ उसके नीचे अच्छा ड्रेनेज होल है ताकि जितना भी पानी इन सब्जियों के छिलकों में से निकले वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। इस गमले का डायामीटर 11 इंचेस है और इसकी जो डेप्थ है वो 10 इंचेस है। आप जो भी गमला यूज़ करें वो कम से कम 10 इंचेस तक का होना चाहिए ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में आपका कंपोस्ट बन पाए, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा बड़ा गमला भी ले सकते हैं। इसके ड्रेनेज होल्स के नीचे रखने के लिए मैं एक प्लास्टिक की ट्रे यूज़ कर रही हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकले इस ट्रे में इकट्ठा हो जाए और इससे आपका फर्श भी खराब ना हो। ड्रेनेज होल बंद ना हो जाए इसलिए आप इसे किसी भी चीज से कवर कर सकते हैं। आप इसके लिए पत्थर भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहली लेयर जो मैं कंपोस्ट बनाने के लिए बना रही हूँ वो मैं गार्डन सॉइल की बना रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें आधी गली कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। ये मैंने अपने पुराने बैच से ली है। इसे ऐड करने से आपका ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से प्रेजेंट होते हैं जो कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसा करने से कंपोस्ट 2 महीने की बजाय 1 महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये कंपोस्ट बना रहे हैं और आपके पास पुरानी कंपोस्ट नहीं है तब भी कोई बात नहीं, कंपोस्ट बन जाएगी पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्जियों के छिलके। आप जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएँ उन्हें साथ के साथ प्रेस करते जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपका कंपोस्ट रेडी हो जाए। फिर से मैं इसमें आधी गली कंपोस्ट को ऐड करूंगी। मैं बार बार कंपोस्ट इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये बैच जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए और नेक्स्ट बैच में इसमें जल्द से जल्द बना पाऊँ। इसके बाद में मैं अंडों के छिलकों को इसमें ऐड कर रही हूँ। अंडों के छिलकों को आप क्रश करके डालें ताकि ये आसानी से डीकम्पोज हो जाएं।
अंडों के छिलकों में कैल्शियम होता है जो हमारे कंपोस्ट को और भी न्यूट्रिएंट रिच बनाता है। इसके बाद में मैं इसमें हरी घास डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, आप इसे ऐसे भी इसमें डाल सकते हैं। हरी घास डालने से कंपोस्ट में एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसके बाद जो मैं लेयर बनाऊंगी वो मैं नीम की पत्तियों की बनाऊंगी। नीम की पत्तियां वर्क करती हैं एज अ पेस्टिसाइड और आपके प्लांट्स को फंगस और चींटियों से बचाती हैं। इसके बाद फिर से एक और लेयर बनाऊंगी, वो मैं बना रही हूँ प्याज और लहसुन के छिलकों से। प्याज और लहसुन के छिलके रिच होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में। बनाना पील्स इसमें ऐड करूंगी और ऐड करूंगी संतरे के छिलके, और फिर से थोड़ी सी आधी गली हुई कंपोस्ट को मैं ऐड करूंगी। अब मैं जो इसमें स्टेप करने जा रही हूँ ये इस प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैं इसमें ड्राई लीव्स को ऐड कर रही हूँ। ड्राई लीव्स में कार्बन होता है और हरी सब्जियों में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन स्मेल को प्रोड्यूस करता है और ड्राई लीव्स उस स्मेल को दूर रखने में हेल्प करता है। अगर स्मेल ज़्यादा हो जाए तो आप ड्राई लीव्स को और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर से हरी सब्जियों को ऐड करें और अब मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती। ये यूज चाय पत्ती है। चाय पत्ती में सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। फिर से थोड़ी सी हरी घास और उसे अच्छे से प्रेस करें और उसके बाद ऐड करें प्याज और लहसुन के छिलके। फिर से आधी गली हुई कंपोस्ट को ऐड करें और एक बार फिर से ऐड करें सूखे हुए पत्ते। अब लास्ट में मैं इसमें कर्ड को ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस और भी फास्ट हो जाए और घर में जो एग्स को यूज़ नहीं करते वो इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके मैन्योर का कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाए। अब लास्ट में इसको मॉइस्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और लास्ट में फिर से एक और लेयर मिट्टी की बनाएं ताकि आपका सारा मिक्सचर अच्छे से कवर हो जाए। अब मैं इसे ढक रही हूँ एक प्लास्टिक की प्लेट से। आप इसे किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं, आप इसके लिए पुरानी टाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। एक महीने के बाद ये रहे रिजल्ट्स। हमारा कंपोस्ट एकदम बनकर तैयार हो चुका है। हमें पता कैसे चलेगा कि कंपोस्ट बनकर तैयार हो गया है? जब ये आपको डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का दिखेगा तब आप समझ जाइए कि कंपोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपने इसमें बनाते टाइम पुराना कंपोस्ट ऐड किया है तो ये एक महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगा, और अगर आपने पुराना कंपोस्ट ऐड नहीं किया है तो इसे बनने में 2 महीने का टाइम लगेगा। गर्मियों और बरसात के मौसम में कंपोस्ट जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और सर्दी के मौसम में इसे बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और ध्यान दें, बरसात में इसे खुले में ना रखें ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स पानी में बहकर लीक ना हो जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे बीच बीच में हिला भी सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तब भी कोई बात नहीं, ये ऐसे ही बनकर तैयार हो जाएगा। ये कंपोस्ट एकदम न्यूट्रिएंट रिच, ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री है और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। चलिए अब इसे प्लांट्स में ऐड करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी देखते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट में इसे ऐड करूंगी और फिर देखते हैं इसके रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपके सामने हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें कितने अच्छे फ्रूट्स आना शुरू हो गए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।